थ्री आवर्स वेस्ट ने 15 मिनट में जो फुट के रोई हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी सब अच्छे हैं। तो जा रहे हैं हम लोग शाहरुख खान की न्यू मूवी देखने। लाइनर आईब्रोज को लगाए हमारे बच्चे, दुनिया खरीदते कॉस्मेटिक्स, अम्मा जब कुछ लगाने बैठते एक चीज नहीं मिलती ड्रेसिंग टेबल पे, जो है एक्सपायर्ड हो तो न्यूड कलर का लिप लाइनर आईब्रोज पे लगाने और बोल रहे कि दुआ करो आई जब तक झड़ना ले आईब्रोज जो मिला, और ऐसा उसके पास एक्सपायर हुए बाद में निकाल के डाल देते, एक्सपायर नहीं रहा तो अंदर अंदर नहीं उनको दे नारियल वाले। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और जब भी ये सिग्नल पे रुकते गाइस हम लोग तब बहुत टाइम लगता निकलने के लिए। मेहदीपट्टनम को एंटर करते ये नाना नगर सिग्नल पे है ना, पर ये बहुत सही है ट्रैफिक नाना नगर नहीं, ये स्पेशली दिस वन और टाइम भी बहुत लगता है ना उसको, काफ़ी लंबा दिख रहा था रास्ता, पता नहीं क्यों ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी कि बस पूछिए मत आप। लेकिन मौसम बहुत ठंडा था, अच्छा दिख रहा था, प्लेजरेबल था। तो हम लोग आ गए जीजीपी मॉल को, इत्तेफाक से हम लोग ऊपर चले गए थे थर्ड फ्लोर पे के ऊपर है ना थिएटर बोल के, लेकिन टिकट्स नीचे अवेलेबल थे तो फिर टिकट्स के लिए वापस नीचे आए, टिकट्स लेके गए समझिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बालकनी मिल गई हमारे को, बहुत अच्छा सुकून में देख लिए समझिए हम लोग मूवी। फोर्थ फ्लोर पे जाना है मम्मा, नहीं थर्ड फ्लोर पे से फोर्थ फ्लोर पे जाना है। कॉफी ले रहे गाइस और पॉपकॉर्न भी लेंगे। हाँ पॉपकॉर्न आसू लेंगे, नॉर्मल कॉफी ना। हाँ तीन कॉफी क्यों, कौन से हैं और कॉफीज में ऑप्शंस क्या है? हाँ एटलीस्ट दो में डिवाइड करवा गाइस, मैं फ्रेंच फ्राइज लेने वाली हूँ। हाँ आई वांट टू गेट फ्रेंच फ्राइज स्पाइसी वंस गाइस, फ्रेंच फ्राइज लेने। हाँ स्क्रीन नंबर 6, सीट नंबर सर निकालो फोन मेरा, मेरे फोन में गाइस आई एम गेटिंग मसाला फ्राइज बिकॉज आई लव स्पाइसी फ्राइज। What happened is that we got the seat on recliners. तो हमको जो the topmost seating नीचे का मिल रहा था इधर, और the topmost row we were going to get. So I went for the topmost, मतलब ऊपर का सबसे, which is the recliners. So yeah, मैं उसमें क्या हुआ, तीन seats एक साथ है, उसके बाद दो damage है, और then the one after the seats is the one that I chose because मेरे को मूवी देखने से मतलब है and they wanted to, my sisters and mom wanted to sit together, so yeah. These look delish. I might get any one of them. Look at this, looks so cute. Are these fake? Looks like it, right? If you guys look at this. This is clearly fake, but it just literally looked so real. I have to hold my dress like this. Is it so long? हाँ तो आई गॉट फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे, इनला क्या ले रहे मम्मा? इनला कॉफ़ी ले रहे और पॉपकॉर्न भी लेने वाले हैं, चीज़ पॉपकॉर्न, अभी सबला बिजी है अपने अपने चीज़ा लेने में, सो आई एम ब्लॉगिंग। सो दिस इज, दीज आर कॉफीज एंड समोसा, इसके साथ सॉस, एंड दिस इज मेरा हाथ जल गया बेटा, मैंगो जूस। Asking me full spicy banana, I was like yes, one thing जो मैं बगैर कोई doubt के जिस चीज़ को हाँ बोल सकती हूँ is make it as spicy as you can। हाँ लेकर आती हूँ।
तो चीज पॉपकॉर्न ऑर्डर कर रहे हैं। मम्मा कितना टाइम लगता? कितना टाइम लगता? अभी आते हैं। 540 गाइस हमला अभी इंटरवल हो रहा और मैं फर्स्ट 15 मिनट में जो फुट के रोई हूँ अपनी जगह पे क्योंकि बहुत इमोशनल सीन था ना। इमोशनल सीन आप इमोशनल नहीं हुए? मैं भी हो रही थी, इमोशनल हो रही थी। मैं तो रो ली थी, आई तो जस्ट क्राइड। बैक टू नॉर्मल हो रही हूं, इमोशनल हो रही थी मैं भी। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बट दैट्स व्हाट बॉलीवुड मूवीज गिव यू ना। आई नो इट्स अमेजिंग। और यहाँ से ले रहे हैं मोमोस, बेक्ड मोमोस। मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता उसका टेस्ट। हमारी मंजली बेटी का फेवरेट है समझे। आपको कैसी दिखी मूवी? बहुत अच्छी थी माँ, अच्छी इंस्पायरिंग मूवी दिखी वो तो। हाँ, कहीं कुछ वेस्ट नहीं। वही आई लव दिस मूवी, मतलब पठान के लेवल पे है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। पठान सॉन्ग्स, हाँ पठान तो मैंने देखी लेकिन सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे हैं। एवरीथिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी इंस्पायरिंग मूवी है। हाँ। और ऐसा दिखा के 2-3 hours वेस्ट नहीं हुए। या, नॉट इवन 1 minute। 1 minute बहुत नीट मूवी है, फैमिली मूवी, होल फैमिली आके देख सकती है। देखिए आप लोग, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, वी ऑल इंजॉयड इट। मेरे ऊपर ठोकर डालती है ये हमारी बच्ची। बहुत टोपी डालते हैं हमारे ऊपर। अच्छा जाना, चेक कर लो, नहीं देखती मैं। चलो चलो, तो मेरा आईलाइनर और लिप लाइनर खत्म हो गए थे तो मैं लिया। सो आई बॉट दिस लिप लाइनर, दे सेड दैट अपेरेंटली इट वर्क्स वेल विद एवरी शेड ऑफ लिपस्टिक ऑलमोस्ट। So I wanted a lip liner, so I went for this one, and this is the liner that I used that I had run out of, but I worked this out for almost 3 to 2 years, guys. Look at the size and look at. So this is one of the liners that you can totally invest in. Of course, it's not waterproof, but it's amazing. So you guys can buy this. यही पे एंड होता मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।